जय हिंद भाई सभी को। बहुत सारे बच्चों के आज पेपर होगा आर्मी का। पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार आज का आपका पेपर हो। जिन भी बच्चों का इनका भी 17 अप्रैल का पेपर है, पूरी तैयारी करके आया भाई? हाँ, पूरी तैयारी करके आया। पक्का? पक्का। पहले दिया कभी सीबीटी टेस्ट? पहले नहीं दिया था। ये पहली बार हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो आर्मी वाले बच्चे स्पेशली ध्यान रखना। जिनको नहीं पता है, पहले ही इस पर वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, एक बार देख लेना किस प्रकार से करना है। उसमें एक ऑप्शन होता है नेक्स्ट का, ए होता है सेव नेक्स्ट का, तो सेव नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने से क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, तैयारी करके आया? तैयारी करके आया हूं, तो बस एग्जाम देने ही है अब तो। एक कब बैठे? कब बैठे? इतनी उतावल लग रखी है भाई, कब बैठे? डॉक्यूमेंट्स लिया क्या क्या थी? क्या क्या? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और दो फोटो लेके। एडमिट कार्ड रंगीन लिया, फोटोकॉपी लिए? रंगीन लिया। फोटोकॉपी ले मैंने। फोटोकॉपी नहीं, रंगीन लेके जाना है। रंगीन प्रिंट कार्ड वाले ना अभी भी समय, ये ध्यान रखना सॉफ्ट कॉपी अलाउ नहीं है। आपको रंगीन प्रिंट में चाहिए आर्मी का एडमिट कार्ड और दो फोटो और आधार कार्ड। ओरिजिनल लिया फोटो कॉपी? ओरिजिनल लिया। हाँ, तो फिर वो भी रंगीन प्रिंट में लेना। खुद पहन रखा है रंगीन कपड़े? हैं, खुद रंगीन पहन रखा? हाइट है तेरी 170? हैं, कुड़की उड़की ये पेपर देने जा रहा है मतलब? क्या स्कीम भाई इसकी? हैं, ये देख इंडियन आर्मी का पेपर देने का ऐसे मतलब अलग ही दिख रहा है। ये पेपर देने जा रहा अलग ही नहीं रहा भाई, कुछ और ही जुगाड़ लग रहा मुझे। नहीं नहीं जा रहा हूं सर। तो तू रंगीन प्रिंट उसका लिया ही नहीं है, खुद रंगीन प्रिंट में पेंट का कपड़े। उधर हो गया ना सर। पहले दिया कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम? पता कैसे होता है? अरे पता नहीं है तो फिर कैसे कैसे पता चलेगा? वहाँ कोई गाइड नहीं करेगा वहाँ? होते बताओ ना क्या वो कोई नहीं बताएंगे। इस चक्कर में मत रहना भाई, कोई बता देगा, कोई नहीं बताएगा। पहले से देख लो अभी भी वीडियो, उसमें जैसे आपके पास में ओपन होगा सीट, उसके बाद में आपको रोल नंबर डालना उसमें, ठीक है? और या डेट ऑफ बर्थ दोनों के ऑप्शन आएंगे, वो डाल के ओपन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपके सामने खुलेंगे। जो क्वेश्चन पे आपको करना है उस पर क्लिक कर सकते हो, आंसर देते ही नेक्स्ट उस पर क्लिक करके जिस आंसर पे, और सेव नेक्स्ट करना, ठीक है? और बाई उंगली से काम होगा ये सारा का सारा। माउस तो चलाया पहले कभी? कंप्यूटर देखा हुआ है? देखा? पक्का? पक्का? बहुत धीरे बोल रहा भाई, तेरा देखा हुआ कि नहीं? अरे देखो चला रहे थे, चलाओ फिर कब चलाएगा? आज चलाएंगे ये आज चलाएंगे वाले, ध्यान रखना। एक बार कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पर जाके देख लो और चला के देख लो, ये आज चलाएंगे मतलब कौन सी उंगली काम करती है उसमें, माउस में? ये इससे चलाते हैं इसको। भाई ऐसे नहीं, मतलब बाई उंगली से करना बेटे, बाई उंगली से क्लिक होता है। जब आंसर दोगे तो बाई उंगली को दबाना पड़ेगा, उस पर दबा के फिर उस तीर वाले निशान को सेव नेक्स्ट एक लगा रहेगा, उस पर ले जाके क्लिक करना है, तब वो आंसर मान्य होगा। हाँ भाई, तुमने दिया पहले कोई एग्जाम? पहले दिया। किसका? जीडी का, एसएससी का। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया उसमें? हाँ। प्रॉब्लम तो नहीं कोई? ना, शुरू में हुई थी सर पहले। अब नहीं होता। तो अभी भी घबरा रहा भाई, पहले पेपर दिया फिर भी घबराहट है इसमें, तो तेरे को इसको कोई घबराहट नहीं है, तो अभी आज सारा कुछ आज ही सीखेगा, कोई घबराहट घबराहट कुछ नहीं? नहीं 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 है, कोई घबराहट नहीं, नहीं पढ़ के आया हूँ मैं। कितने करेंगे? पूरे करूंगा मैं तो, पूरे करूंगा। और गलत हुआ तो? नहीं होगा गलत। गलत हो गया तो नंबर भी कट जाएगा, ये ध्यान रखना। 1/4 की माइनस मार्किंग, अगर मान ले तूने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया और एक सही किया ना, वो भी चला जाएगा साथ में। नहीं होगा गलत। नहीं गलत हो तो छोड़ देना उसको, जो नहीं आएगा वो करूंगा। उसमें नेक्स्ट करना है, जो नहीं आए उसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आंसर नहीं देना, सिर्फ नेक्स्ट कर देना उसमें, ठीक है? आप भी ध्यान रखना, जिन्होंने अब तक कंप्यूटर देखी नहीं है शक्ल वो देख लेना, नहीं तो वहाँ एग्जाम सेंटर पर ऐसे ऐसे करोगे, ये ध्यान रखना। अभी बताता हूँ तेरे को,